वो आइसक्रीम बनाई जा रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए मशहूर ज़माना मिसेस साहब की जान पहचान रिजवे प्लाजा। ये पूरा यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट है, मैं पहले भी इसका एक व्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन आज जो है हम स्पेशली यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है कराची फूड कोर्ट। और इसमें जो है ये दो तीन किस्म के रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे आइसक्रीम भी है और यहाँ पे जो लोग खाना भी खा रहे हैं, डाइनिंग भी कर रहे हैं, आइसक्रीम भी खाए, खाना भी खाए, बारबेक्यू और सारा जो बर्गर वगैरह सिंगर ये सब आइटम जो है यहाँ पे मिलेगा। तो बड़ा अच्छा है इसका, यहाँ पे पीसफुल टाइप का एनवायरमेंट है यहाँ पे, और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे ये कबाब वाला भी है, यहाँ पे एक कबाब वाले का भी यहाँ पे है इसके अंदर, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे ये कराची तवा आइसक्रीम भी है और ये स्मैश बर्गर भी है। तो बेसिकली ये तीन रेस्टोरेंट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो आप जो है यहाँ से आप ऑर्डर करें और यहाँ से तीनों चीज़ें आप यहाँ से ये खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त अंदर मौजूद है, और खाना जो है ये बेहतरीन किस्म का यहाँ पर खाना होता है, और लोग जो है भरपूर तरीके से यहाँ पे इसको एंजॉय करने आते हैं। इधर काफी इन्होंने ये बिल्कुल नया प्लाजा बना हुआ है, सारे फूड्स वगैरह खाने की सारे ये सब फूड्स कहीं है, तकरीबन 100 से ज्यादा हलाल फूड की यहाँ पे दुकानें हैं। मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप मेरा बाकी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरे इस प्लाजा का कवरअप मिल जाएगा। तो ये जनाब है यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हैं। थोड़ा सा वेटिंग है तो मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो मैं वीडियो बनाऊँ बाहर की। तो ये सब लोग जो है ना यहाँ पे इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब खाना अपना आराम से खा रहे हैं, लेकिन बस ये कि थोड़ी सी वेटिंग है यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर ना, थोड़ी सी वेटिंग है। ये इनके आवर्स हैं सारे, ओपनिंग आवर्स जो भी इनके, और ये सारा जो है ये पूरा यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। ये पूरे ये सब स्ट्रीट वगैरह बनी हुई है, सारे होटल ऑलमोस्ट तकरीबन फुली बुक्ड है यहाँ पे, लोगों की जो है ना वो काफ़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है इस वक्त, और पूरा प्लाजा इस वक्त फुल है, पार्किंग का भी इशू है यहाँ पे। तो अंदर जाके देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या है। इनके ये टाइमिंग है बिजनेस आवर्स 12 से 4, काफ़ी लॉन्ग आवर्स हैं इनके मेरे ख्याल में। ये इनका सर्टिफिकेट है, यहाँ पर इस तरह का परमिट मिलता है। अंदर जा रहे हैं, अंदर का जो पूरा ये है, और काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पे ये लाइटनिंग वगैरह यहाँ पे बनाई हुई है, और ये सारे इनके यहाँ पे जो है मेन्यू है सारे जो इनके पास यहाँ मिल रहा है। आज जो है जना मदर्स डे भी है यहाँ पे, तो इसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा ये एक लगाया हुआ है गेस्चर। ये सारे इनके यहाँ पे सब फूड वगैरह के सारे ये मेन्यूज हैं सब जो मिल रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कबाब भी मिल रहे हैं, लिंगर ही मिल रहे हैं, हलीम बिरयानी सब चीज़ जो है यहाँ पे मिल रही है सर यहाँ पे। और ये सारा जो है इनका बेसिकली सारे हमारे ये पाकिस्तानी स्टाइल वगैरह के ये सब्जी फूड सब यहाँ पे मिल रहे हैं, और आवाम की जो है ना यहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो आई हुई है सर यहाँ पे, और हम भी बस अपना फूड का वेट कर रहे हैं कि फूड आए तो उसको इन्जॉय करें। इनका यहाँ पे लंच स्पेशल है 9.99 के, चना दाल वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, इसके साथ साथ जो है ये सारा ये जर्दा वगैरह भी मिल रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ जर्दा ये भी मिल रहा है यहाँ पे 8.99 का ये जर्दा दे रहे हैं ये लोग। ये जनाब आपको ये अगर बर्गर खाने के शौकीन है, लिंगर बर्गर भी यहाँ पर मिल रहा है इसको 12.99 का। अगर आपको कबाब फ्राई खाना हो तो वो भी यहाँ पे मिल रहा है, साथ में ये अंडा पराठा भी मिल रहा है यहाँ पे, अगर आपको सुबह का
नाश्ता वाश्ता करना या वैसे अगर आपने अंडा पराठा वगैरह खाना तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये देगी, ये निहारी मिल रही है यहाँ पे, तो प्राइसेस वगैरह की बहुत अच्छी हैं नो डाउट। अगर कोई यहाँ रहता है तो यहाँ पे मस्ट ट्राई करें यहाँ पे आकर। इनका यहाँ पे चिकन कीमा भी मिल रहा है 9.99 का, और उसके साथ ये चना दाल ये भी 9.99 का है, ये भी है इनका। फिश भी है यहाँ पे फ्राइड फिश, और ये दोबारा कबाब फ्राई भी है यहाँ पे, ये भी खा सकते हैं आप। और ये आपको भर कबाब भी मिलेगा यहाँ पे 7.49 का। ये कुछ और डिफरेंट आइटम भी हैं, चरवा भी मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे ये स्क्रीन वगैरह लगाई हुई हैं, जिसमें ये सारे उन्होंने बताया क्या क्या इनका यहाँ पे मिल रहा है। और ये पिज़्ज़ा वगैरह भी है यहाँ पे इसके अलावा, तो हर ही चीज़ तकरीबन यहाँ पे मिल रही है इस रेस्टोरेंट के अंदर। जो भी आप सोच सकते हैं आपको जो पाकिस्तानी देसी खाना खाना है, तो चाहे बारबेक्यू हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे कुछ भी, सब चीज़ मिल रही है यहाँ पे। ये एक वेदर दिया है, तो जब हमारी टर्न आएगी तो ये बीप करेगा, तो हम फूड लेने जाएंगे। बीप हो गया और इसका मतलब हमारा फूड जो है वो रेडी है, तो हम जा रहे हैं अपने फूड लेने के लिए। चलो भाई, ये पराठा आया जनाब इसके साथ, और इसके साथ ये नान आया, नान के साथ ये बिहारी कबाब है, और उसके साथ चिकन टिक्का है, साथ में इन्होंने ये जिंजरल दी है, ये पुलिस की ड्रिंक होती है ख़त्म करने के लिए। बाकी फूड हमारा भी और बाकी है, और इस साथ में मैं जो है ये बर्गर था हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बेहतरीन। ये इस तरह से आइसक्रीम बनाई जा रही है यहाँ पे। हम तो अल्लाह का शुक्र है अपने निकल चुके हैं, और खाने के बाद थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह भी खाई है, और रश भी काफ़ी इस वक्त कम है यहाँ पे। खाना जो था वो खाने का ये है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ है खा के। खाने की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो प्राइस भी बहुत अच्छी है। तो जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्पॉट है, मतलब एक फैमिली जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना खा सकती है, और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट जहाँ जहाँ हम लोग गए। आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे इधर आके हमने खाना खाया, तो वाकई में प्राइसेस जो है ना बहुत ही अनबीटेबल प्राइसेस हैं। तो बस ये था कराची फूड कोर्ट जहाँ हमने खाना खाया, आज रात का डिनर किया। तो बस अब निकलेंगे अपने घर की तरफ, साथ में मैंने जो है ये
मैंगो आइसक्रीम भी ली है, तो ये इसको ट्राई करते हैं, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग के अंदर। इस वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था वो रश बहुत था, तो हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे। ये साथ में जो है ना, ये एक और दुकान है, ये ओपन हुई हुई, ये सब यहाँ पे हुक्के वगैरह मिल रहे हैं, सब बेहतरीन किस्म के। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड गुड नाइट।